ये सॉल्व इंटीग्रल अलोंग द कर्व जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वेयर प्लस वन डी जेड वेयर सी इज मॉड ऑफ जेड प्लस वन बाय जेड इज इक्वल्स टू टू। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे सर्कल या फिर कुछ इलिप्स वगैरह डायरेक्ट लेना देते हुए इस टाइप का कर्व दिया है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए अगर हम यहाँ के इस इंटीग्रेशन की सिंगुलैरिटी चेक करते हैं तो व्हेन दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, इंटीग्रेशन का अंदर का टर्म एनालिटिक कब नहीं होता? इफ दिस डिविजन टर्म इज जीरो, सो टेक दिस डिविजन टर्म इक्वल्स टू जीरो, फैक्टराइज दिस टर्म। सो ये जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू होगा माइनस वन, माइनस वन इज नथिंग बट आई स्क्वेयर, सो जेड इज प्लस माइनस आई। दैट मीन्स वेन जेड इज प्लस माइनस आई तो देन दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। सो देयरफॉर जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वेयर प्लस वन इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू आई एंड जेड इक्वल्स टू माइनस आई। अब नेक्स्ट टास्क क्या होता है कि इनमें से कौन सा हमारे गिवन रीजन के अंदर लाइव हो रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अगर दोनों में से एक भी नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से एक आधा होता होगा तो हमें उसके कलों सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये कर्व का हेल्प लेना पड़ेगा। अब जो गिवन कर्व है दैट इज अवर, नाउ सी इज मॉड ऑफ जेड प्लस वन बाय जेड इक्वल्स टू टू। तो ये कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं है कि चलो इसका डायग्राम ड्रॉ किए, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस टाइप के कर्व हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया है, तो हम इसमें क्या करते हैं, ये कर्व देखने के लिए जेड का वैल्यू पुट अप कर दो। सो जेड इज अवर एक्स प्लस आई वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू टू। नाउ इन ए नेक्स्ट स्टेप ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो वी गेट एक्स प्लस आई वाई ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आई वाई। तो वो टर्म हम राइट साइड में अगर शिफ्ट कर देते हैं तो इट इज ए मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई। नाउ हियर अप्लाई द ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर फॉर्मूला। सो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं, कोमल बताओ इसका एक्सपांशन क्या होगा ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर के फॉर्मूले से एक्स प्लस आई वाई का? कोमल प्राची ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर टॉइस एक्स एक्स आई वाई प्लस माइनस वाई स्क्वेयर। वेरी गुड, माइनस वाई स्क्वेयर देन हियर प्लस वन एज इट इज इक्वल्स टू टू टाइम्स एक्स प्लस आई वाई। ना हियर विदाउट आई वाला जो टर्म है हम उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं ताकि हमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग से चाहिए। तो विदाउट आई इस ब्रैक मोड के अंदर एक है एक्स स्क्वेयर देन वाई स्क्वेयर एंड नेक्स्ट इज प्लस वन। आई का टर्म है ट्वाइस एक्स वाई आई इज इक्वल्स टू टू टाइम्स मोड ऑफ एक्स प्लस आई वाई। ना हियर अगर मोड में इस टाइप का टर्म है तो इसका मोड फाइव सॉल्व करना है, और मोड सॉल्व करना मतलब क्या होता है, जैसे राइट साइड में देखो राइट साइड का इजी है। सो राइट साइड का टर्म का मॉड अगर निकालते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर विदाउट आई वाला टर्म का स्क्वायर प्लस ऑफ आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। सो दैट इज द मॉड ऑफ दिस टर्म। सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो जिसके पास में आई नहीं है दैट इज आवर एक कंप्लीट टर्म। सो दिस ब्रैकेट कंप्लीटली इज आवर रियल पार्ट। सो रियल पार्ट स्क्वेयर प्लस ऑफ इमेजिनरी पार्ट स्क्वेयर। नहीं
use a squaring on both side because we require the equation of curve जिसको हम draw कर पाए, लेकिन ये root में कभी भी हम diagram को draw नहीं कर पाते, so squaring on both side to we get x square minus y square plus 1 plus this is a 4 times x square y square is equals to 2 times x square plus y square. जस्ट दोनों साइड से स्क्वेयरिंग करके ये रूट को हटा दिया है, बाकी रूट के अंदर के पूरे टर्म एज इट इज, ये ब्रैकेट का स्क्वेयर है फर्स्ट. नाउ हियर यूज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीन टर्म है यहाँ पे, सो फॉर्मूला इज ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वेयर इज नथिंग बट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. पहले तो तीनों टर्म का हो जाता है स्क्वायर, देन टू टाइम्स, अब इनके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो टर्म ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये वाला टर्म आता है. अब इस टर्म के हिसाब से एक ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, पहला टर्म इज आवर एक्स स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी साक्षी वैल्यू ऑफ बी कौन सा रहेगा, b का वैल्यू क्या होगा, इस ब्रैकेट के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई, तो इस ब्रैकेट के हिसाब से b का वैल्यू कितना होगा, इट इज ए माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस को मत भूलना क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट में सारे टर्म प्लस में लिए, सो वैल्यू ऑफ b इज माइनस वाई स्क्वेयर एंड c इक्वल्स टू. अब ये फॉर्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, सो ये फर्स्ट ए स्क्वायर, तो हमें अभी ए बी सी पता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी बी सी प्लस ए सी, नाउ अब ये तो हो गया इस ब्रैकेट का एक्सपांशन. हमारी टर्म कैसे है, ये है प्लस फोर टाइम्स ये वाला टर्म है राइट साइड में ये वाला टर्म, तो ये हो गया ब्रैकेट का एक्सपांशन, देन प्लस ब्रैकेट को छोड़ के इसके नेक्स्ट में क्या है, फोर टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस इक्वल टू में टू टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स वाई स्क्वायर. इसके नेक्स्ट में हम सिर्फ इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं ये स्टेप रीराइट कर दियो नेक्स्ट पे, सो देयरफॉर वी गेट एक्स रेज टू पावर फोर प्लस वाई रेज टू पावर फोर प्लस वन प्लस टू टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देन माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर then plus 4 times x square y square is equals to 2 times x square plus 2 times y square. ठीक है, ये जो है x का स्क्वेयर, x का स्क्वेयर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट एक्स रेज टू पावर फोर एंड माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो इट इज ए वाई रेज टू पावर फोर एंड हियर वन, और ये टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देन माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये वाला टर्म, सो दिस इज द टर्म. नाउ हियर होल टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, यहाँ पे फैक्टराइज हमें करना पड़ेगा बिकॉज वी रिक्वायर द कर्व, और किसी भी कर्व का इक्वेशन में फोर्थ डिग्री टर्म नहीं रहती. जैसे अगर सर्कल देखते हैं तो सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होते हैं, अगर हम हाइपरबोला देखेंगे पैराबोला देखेंगे या फिर जो भी टर्म होगा तो उसमें स्क्वायर तक के रहता है और इक्वेशन ऑफ लाइन में सिंगल रहता है, तो एक्स वाई प्लेन की जो डायग्राम है उसमें हार्डली स्क्वेयर या फिर सिंपली लाइन का इक्वेशन होता है, तो ये फोर्थ पावर वाला टर्म नहीं रहता है.
इसको हमें सिंप्लीफाई करके ये पावर को हटाना पड़ेगा। अब ये आपको इमिजिएटली नहीं आएगा ये, क्योंकि इतना इजीली नहीं आता है। सो इसको आपको है ना याद रखना पड़ेगा इसके नेक्स्ट वाला स्टेप कि हमें ऐसे करना है करके। देखो ये जो एक्स रेज़ टू पावर फोर वाई रेज़ टू पावर फोर ये वाला जो टर्म है, देन नेक्स्ट अब में क्या है यहाँ पे ब्रैकेट को अगर ओपन कर दे तो ये प्लस वन माइनस टू टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर टू टाइम्स वाई स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस फोर टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स वाई स्क्वेयर। होल टर्म लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो मैं स्टेप बढ़ाने से बेटर वे यही पे कर देती हूँ। ये जो दोनों राइट साइड की टर्म है इनको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएंगे इक्वल टू जीरो। अब इसमें से जो कैंसिल आउट होता है ऐड होता है उनको ऐड करना है। सो ये एक्स रेज़ टू पावर फोर वाई रेज़ टू पावर फोर ये टू टाइम्स वाली टर्म एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और ये फोर टाइम्स, इन दोनों का एडिशन होगा टू टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। देन नेक्स्ट इज ये जो टर्म है और यहाँ पे भी टर्म्स है, इन दोनों को अगर चेक करते तो वाई स्क्वेयर का टर्म यहाँ पे भी है, बोथ आर निगेटिव। सो फोर टाइम्स वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का टर्म यहाँ पे भी है और यहाँ पे, बट ये प्लस एंड दिस अ माइनस, सो जीरो एंड कॉन्स्टेंट इज प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। और कुछ रह गया है क्या चेक करो? करेक्ट है? एक्स स्क्वेयर का टर्म जो है यहाँ पे राइट साइड में, एक जस्ट मिनट एक चेक करो, ये जो टर्म है हमने यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो टू का स्क्वेयर कितना हो जाएगा? फोर। यस, सो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? इट इज ए फोर। सो हियर राइट साइड इज फोर टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस फोर टाइम्स वाई स्क्वेयर। सो ये फोर टाइम्स एक्स स्क्वेयर फोर टाइम्स वाई स्क्वेयर। सो हियर ये जो टर्म है लास्ट वाले टू टर्म्स, ये एक्स स्क्वेयर का जो टर्म है टू टाइम्स एंड माइनस फोर टाइम्स, मतलब ये होगा माइनस टू टाइम्स एक्स स्क्वेयर, एंड वाई स्क्वेयर का टर्म जो है यहाँ पे फोर टाइम्स है और ये टू टाइम्स, ये टू टाइम्स वाई स्क्वेयर एंड माइनस फोर टाइम्स वाई स्क्वेयर एंड नेक्स्ट इज प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ये टर्म कोई बता सकता है? परफेक्ट स्क्वेयर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये किसका स्क्वेयर है? स्टार्टिंग की थ्री टर्म्स। यस, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर, करेक्ट है? ये तीन टर्म कैसा है? वाई एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर टू टाइम्स, सो दिस इज नथिंग बट एक्सपांशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और ये जो मिडल वाला टर्म है इसमें से टू कॉमन निकाल लोगे माइनस टू, तो इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड लास्ट टर्म इज माइनस फोर वाई स्क्वेयर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ना ये जो माइनस फोर है इसको भी अगर हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस टू टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वन इक्वल्स टू फोर वाई स्क्वेयर। ये वाला टर्म जो है ये किसका एक्सपांशन है? परफेक्ट स्क्वेयर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये ब्रैकेट किसका एक्सपांशन है? यस, यस। देखो ट्राई करके, यहाँ पे
ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला टर्म का एक्सपांशन मतलब ये वाला टर्म है, एंड इक्वल्स टू वाला जो है इक्वल्स टू फोर वाई स्क्वायर एज इट इज। नाउ स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें फोर्थ पावर वाला टर्म ही हटाना था, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस टू वाई। ना हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू वाई, ये एक टर्म आएगा। सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू माइनस टू वाई, ये दोनों भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो ये देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू टू वाई, सेकेंड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू माइनस टू वाई। This 2y we have to shift in left hand side. So x square plus y square minus 2y minus 1 equal to 0. And here x square plus y square plus 2y minus 1 equals to 0. इसको perfect square के form में अगर convert करना है, तो we have to adjust plus 1. So here ये जो term है middle वाला term y square minus 2y, तो इसका y वाला कोएफिशिएंट को 1 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सो प्लस 1 का अगर एडजस्टमेंट करते हैं, तो मैंने प्लस 1 ऐड किया एज वेल एज माइनस 1 किया, ऑलरेडी माइनस 1 है इसलिए यहाँ पे माइनस 2, सो दिस इज नथिंग बट x square, और ये मिडल वाला टर्म इज एक्सपांशन ऑफ y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर x square प्लस y minus 1 bracket square equals to 2. And here similarly x square plus y square plus 2y add plus 1 minus 1, so it is a expansion of x square ka term as it is, it is a y plus 1 bracket square equals to 2, so therefore both represent a equation of circle is circle with center is 0,1 and radius is root of 2. जब mod of z वाला equation रहता है तो right side is completely the radius, but यहाँ पे x y के form में ये right side वाला क्या होता है a square, तो it is a equals to root 2. ये भी क्या है, is a circle with center 0, minus 1 and radius is root 2. दोनों इसमें radius of circle कितना है root 2 and center is different. मतलब we get the two circle. इस question में speciality क्या है, एक circle ना देते हुए इन्होंने क्या कर दिया, two circles दे दिए. So here अगर हमारे पास में two circles है तो इनका center है 1, minus 1. So मैं next step पे लिखती हूँ. So here फर्स्ट इसमें सेंटर है 0,1 एंड रेडियस है रूट टू, दूसरे का सर्कल का सेंटर देखो 0, -1 एंड रेडियस इज रूट टू, ठीक है जनरल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, ये जो रहता है एक्स वाई के फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर वाई माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सो सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ से क्या होता है ए कॉमा बी एंड रेडियस इज आर, यहाँ पे देखो ये माइनस अगर है तो इसको प्लस लेना पड़ता है, यहाँ पे प्लस है तो वी टेक माइनस, ये रहता है ना जनरल इक्वेशन एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर वाई माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो देन सेंटर इज ए कॉमा बी, तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर प्लस है तो वी हैव टू टेक इट इज अ माइनस,
माइनस है तो फिर तो प्लस ही आएगा। ठीक है अभी। सो देयरफॉर फर्स्ट सर्कल का सेंटर है 0,1, रेडियस इज रूट टू, सेकेंड सर्कल का सेंटर है 0,-1 एंड रेडियस इज रूट टू। सो हियर ये सपोज 0,-1, -1, -2, ये वाई एक्सिस के पॉइंट ऐसे आई के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखना होगा तो, नहीं तो फिर हम जीरो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में तो लिखते ही है ना। हियर सेंटर इज 0,-1 एंड 0,1, तो 0,1 मतलब ये वाला सेंटर रहेगा और रेडियस इज रूट टू, तो रूट टू मतलब रूट ऑफ टू 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सो एग्जैक्टली 1 पॉइंट कितना आएगा ये बता नहीं सकते, इरेशनल नंबर है तो। सो यहाँ से क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, हियर सेंटर वन पॉइंट समथिंग अगर आ रहा है तो 1 यूनिट यहाँ तक के होगा, 1 यूनिट डिस्टेंस और थोड़ा सा इसके ऊपर, वैसे यहाँ से यहाँ तक का होगा 1 यूनिट डिस्टेंस, उससे थोड़ा सा नीचे। रूट टू का जो आंसर है वो 1 पॉइंट समथिंग होगा। सो ये सेंटर से 1 यूनिट और उससे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब ये जो सर्कल होगा ये चला जाएगा 2 से ऊपर एंड 0 के बिलो। आप लोग सर्कल को प्रॉपर ड्रॉ करना। वैसे ही सेकेंड सर्कल का सेंटर है 0,-1, ये अगर सेंटर है तो यहाँ से रूट टू रेडियस, तो 1 यूनिट से थोड़ा सा ऊपर डिस्टेंस, तो यहाँ से 1 यूनिट नीचे आओगे तो यहाँ तक क्या आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर। दोनों सर्कल क्लियर है क्या, चेक करो। यस समझ में आ गया ना, ये रेडियस रूट टू होने की वजह से थोड़ा सा वो 1 सेंटीमीटर से एक्स्ट्रा डिस्टेंस रहेगा, दैट्स व्हाई ये दोनों ऐसे कनेक्टेड दिखेंगे। नाउ अब हमारे जो जेड के पॉइंट्स थे जहाँ पे हमने पोल सिंगुलैरिटी निकाली थी फंक्शन के लिए, सो सी है हमने डिवीजन का टर्म इक्वेट टू 0 किया तो वी गेट प्लस माइनस आई। सो हियर जेड इक्वल्स टू प्लस आई एंड माइनस आई, एक एक को पुट कर दो। जेड इक्वल्स टू प्लस आई, दिख ही रहा है ये सर्कल के इनसाइड ही है, पहले का सर्कल का सेंटर क्या है ये प्लस आई और दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है माइनस आई, सो बोथ लाइज इनसाइड दी रीजन। सो जेड इक्वल्स टू प्लस आई माइनस आई लाइज इनसाइड रीजन, अगर दोनों भी इनसाइड है तो देयरफॉर बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रल अलोंग द कर्व एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल्स टू 2πi, और बस ये जो सिंगुलैरिटी है वो फंक्शन में पुटअप करना है। सो हियर अवर इंटीग्रेशन इज जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वेयर प्लस 1 dz, और इस जेड स्क्वेयर प्लस 1 को हमने फैक्टराइज करके क्या लिख दिया, ये जो डिवीजन का टर्म है जेड स्क्वायर प्लस 1, इसको फैक्टराइज करोगे तो इट इज जेड माइनस आई जेड प्लस आई, तो देयरफॉर दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 2πi। फर्स्ट सिंगुलैरिटी को पुट करना है, फर्स्ट सिंगुलैरिटी इज i, तो थ्रू आउट i पुट अप कर दो इस टर्म में एक्सेप्ट दिस ब्रैकेट, सो i अगर पुट अप करते तो i डिवाइडेड बाय i प्लस i प्लस 2πi
सेकेंड सिंगुलैरिटी इज माइनस आई, सो पुट जेड इक्वल्स टू माइनस आई. तो इसमें पुट अप करेंगे जेड इक्वल्स टू माइनस आई एक्सेप्ट दिस ब्रैकेट. सो माइनस आई डिवाइडेड बाय माइनस आई. तो देयरफॉर इसमें से ये जो आई है ये हो जाएगा वन बाय टू, टू पाई आई, वन बाय टू प्लस टू पाई आई. यहाँ पे ये माइनस टू आई एंड न्यूमरेटर के आई के साथ में कैंसल, सो इट इज अगेन अ वन बाय हाफ ऑफ गेट कैंसल, एडिशन इज टू पाई आई, हेंस वी गेट द आंसर. थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.